ये क्या टांग ऊंची करके एकदम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल उमाले। और भाई साहब क्या हाल है आप लोगों के? आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मजे में होंगे यार। और भाई अभी तो धूप दिख रही है एकदम, मतलब 2-3 दिन पहले तो स्नो हो रहा था यहाँ पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूंगा। और अभी जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा राउंड मार के आता हूँ, आज धूप का भी मजा लिया जाएगा। सो बने रहिए वीडियो में। तो भाई घर से बाहर निकलते ही देखो घर के सामने किसने साइकिल लगा दी। क्या है मतलब यार, लगता है केस करना पड़ेगा इनके ऊपर। भाई साहब कौन है? कोई बात नहीं यार, होता है। तो भाई साहब घर से निकल लिया जाए। बाप यार, ये देखो मतलब ये कम से कम 3-4 दिन से कचरा ऐसे ही पड़ा है। इस तो ये म्यूनसिपालिटी वालों का कुछ तो गड़बड़ी हुआ है लगता है, उठा ही नहीं रहे कचरा। मे बी वो हड़ताल वड़ताल तो नहीं कर रहे भाई। पता नहीं, हर कोई इंसान अभी ऐसे ही कर रहा है यार। कोई अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर में है, कोई कुछ बढ़ाने के चक्कर में। बट ठीक है यार, जायज मांगे रहेगी तो पूरी करना जरूरी है गवर्नमेंट को। ये देखो भाई, इधर बोतलें वोतलें फोड़ फाड़ के डाल दिए इन लोगों ने। क्या दिखा कि नहीं उधर? ये देखो वाला, हाँ, और रेड कलर का, उधर पूरी बोतलें ही बोतलें पड़ी दारू की। कुछ तो गड़बड़ी हुआ है भाई, सामान कचरा उठा ही नहीं है यार, क्योंकि 3-4 दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ इसको। सोचा आज तो वीकेंड है भाई, सैटरडे। ये देखो क्या मस्त है यार, धूप आ रही है लजज भाई साहब। बट कोई बात नहीं, आज देखते हैं, आज भी राउंड मारेंगे मस्त एकदम, धूप का मजा लेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर कुछ स्पेशल रहेगा तो, नहीं स्पेशल रहेगा तो जो मिल जाएगा वही दिखा देंगे। सो बने रहिए वीडियो में। पीछे की गली में क्रिश भाई का घर था, जो हमारे साथ में थे और वो अभी चले गए इंडिया। क्रिश भाई आपका घर देखा भाई मैंने, वैसा का वैसा ही है बाहर से, अंदर तो नहीं जा सकते अभी, तो बाहर से ही सही है। मन हो जाएगा तो फिर से आ जाओ यार इधर, वजह मजे करेंगे। वाह भाई वाह, सूरज भगवान की जय हो माई। लजीज यार सही में, मतलब एकदम मस्त, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, लेकिन सूरज भगवान ने तो एकदम कृपा कर दी है। तो एकदम अभी आ गई भाई मेरी वाली बस, कोई बात नहीं चलते। अरे भाई साहब असली मजा तो इधर पीछे चल रहा है, एकदम लोग वाफल वगैरह खा रहे, वजीज पब्लिक एकदम धूप का मजा ले रही है। और असली मजा अभी आपको दिखाता हूँ मैं, रॉयल पैलेस के सामने वाले पार्क में चल रहे हैं। बस से आते टाइम मैंने देख लिया था चुपके से एकदम। तो देखते कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जो विंटर का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट एंड पे है, ऐसा लग रहा है। मतलब बेल्जियम का वेदर, होल यूरोप का वेदर तो भाई ऐसा ही रहता है, कभी बता नहीं सकते। बट जस्ट लग रहा है जिस तरीके से पब्लिक बाहर आ गई है, कोई बात नहीं। उधर से रोज क्रॉस देखो भाई, मतलब रेड सिग्नल दिख रहा है फिर भी लोग एकदम मतलब क्रॉस कर लेते कभी कभी, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि अपन लोग अपने यहाँ पे ऐसे बदनाम करते रहते लोगों को, हर जगह वैसा ही है। कुछ कुछ लोग भाई, हाँ ऐसा मतलब हर कोई नहीं, बट कुछ कुछ लोग जो रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपनी सहूलियत देखते बस। बट कभी कभी यार देखो अभी हो गया ग्रीन, अभी जा सकते हैं, चला जाए अभी पार्क के अंदर। लाजीज उधर वो रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस का वीडियो तो मैंने आपको बताया ही है। ओ भाई साहब देखो यार, भाई साहब ये रॉयल पैलेस है, रॉयल पैलेस के सामने ये पार्क है। पब्लिक देखो भाई, थोड़ी सी धूप अगर आती है एकदम मजे है यार इनके तो, सही है हम भी मजे करेंगे। आंचो एकदम बॉडी बिल्डर, मतलब बॉडी बिल्डर। ये देखो भाई, ये बाबू भाई क्या कर रही है, लग रहा है ये बाहर खा रहे भाई। ये देखो भाई, ये वाले जो भाई साहब है एकदम मेडिटेशन करते हुए, भाई कौन सा मंत्र जप कर रहे हो वो भी बता दो। लजीज भाई, कहने का मतलब है कि पार्क में लोग थोड़ी सी भी धूप अगर आती है तो मजे करने आ जाते हैं। अभी देखो इधर से एकदम धूप मस्त आ रही है,
बट ऐसे उल्टा भी मैं कितना चलूंगा भाई, गिर वगैरह जाऊंगा तो यहाँ पे डॉक्टर का तो हाल आपको पता ही है साला गड़बड़ी हो जाता है। बट नाइस प्लेस यार, मैं वाले पार्क में पहले आया हूँ लेकिन ये नया नया लगाया है इन लोगों ने, जितना भी ये स्टैचूज लगे हैं ना भाई साहब बॉडी बिल्डर के, वो योगा वोगा के। और इधर तो बहुत ही भाई, देखो तो सही आप लजज। लजीज यार, बहुत बढ़िया करके रखा है यार पार्क को तो ये। क्या है डॉक्टर साहब है क्या ये? ओ आप लोग डॉक्टर साहब क्या चेक कर रहे हैं? देखो भाई पीछे से चेक कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब आप भी यार, लगता है हमारे यहाँ से डॉक्टर भिजवाने पड़ेंगे यहाँ पे आपके लिए। भाई साहब ये अभी छतरी वाले बाबा यार, इनके ऊपर तो पानी भी गिर रहा है यार, ऐसे कैसे हो रहा है? छतरी लगाने के बाद में पानी गिर रहा है यार, ये देखो भीग रहे यार भाई साहब ये तो। अरे यार क्या कर रहे हो आप यार, छतरी भी अच्छे से नहीं लगा पा रहे क्या? क्या भाई दिखा दो आपको, ये देख लो क्या कर रहे हो भाई आप, पूरा गीला गीला कर रहे इधर ऊपर से। पब्लिक तो बहुत आई है यार, और ऐसे ही लोग उनके सामने जा जा के एकदम फोटो ले रहे हैं। और वाह भाई वाह, इधर देखो यार अभी इधर तो क्या है। अरे भाई साहब मतलब गाड़ी के ऊपर बैठ के वहां गाड़ी की वाटी लगा दी यार, ये देखो क्या है, देखो क्या कर रहे भाई, ये देखो भाई क्या है ये, मतलब सोने की जगह तुमको किधर मिली नहीं क्या बेचारी, गाड़ी की वाट लगा दी है? क्या भाई यार, ये लग रहा है बाबू भाई की गाड़ी इधर छोड़ के चले गए यार। बाबू भाई आप किधर भी सामान छोड़ छाड़ देते यार आप। अभी जरा अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखा जाए इधर। अरे बाप रे डांस क्या है देखने दो क्या है तो लजीज एकदम भाई। ये देखो ये तो टोकरी है भाई है, टोकरी के अंदर से कोई निकला है और एकदम डांस कर रहे हैं लजीज। क्या है देख लो अंदर, पता नहीं अभी भाई सब आर्ट है यार, मतलब ऐसा है। अभी ये तो हम तो मजाकबाजी चल रही है अपनी वाली, बट दिस इज आर्ट गाइस। अरे वाह अरे वाह, ये क्या हो रहा है ये। और देखो भाई सुसु करता बालक आपने देखा था ना, अभी आपको देखो ये किस तरीके से सुसु कर रहा है, बालक नहीं है बट ये कुछ अलग ही है, दिखा दो भाई आपको भाई। ये कुत्ता सुसु कर रहा है ऐसा लग रहा है। क्या ये कलेक्शन फैमिली तीन तीन पता नहीं क्या है, बट दिखा दो आपको यार भाई क्या लजीज है यार ये क्या टांग ऊंची करके एकदम लजीज। और एकदम प्रदर्शन तो देखो भाई इधर ही, इस तरीके से देखो भाई साहब रिंग पकड़ के एकदम, और यहाँ से निशाना लगाते हुए ये, और बाल्टी में पूरा जल एकदम लजीज। बस करो भाई कितना सुसु करोगे लजीज यार एकदम कॉमेडी कॉमेडी भी चल रहा है इधर पूरा, लोग तो एकदम कुछ कुछ करे जा रहे यार। अभी दिखाता हूँ आपको ये क्या है, ये नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसका, देखो पीछे ये बच्चे वगैरह भी देखो, अभी वो बच्ची बिचारी वो उसकी कॉपी कर रही है कोई बात नहीं अभी ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो बाप रे क्या हो रहा है ये देखो वाज़ ये छोटू बालक के सामने यार ये क्या कर रहा है। अरे भाई ये पूरा मेटल का है देखो, ऐसा लकड़ी वकड़ी का नहीं है, मेटल है भाई इतना। अब ये क्या है भाई, क्या चाहते हो तुम ये? हाँ ऐसा पैर ऊपर करके क्या दिखाना चाहते हो? अरे यार क्या है यार ये देखो, अब आप लोग ही बताओ भाई क्या है ये, क्या दिखाना चाहते हो भाई आप? भाई साहब क्या कर रहे हैं? बस करो भाई, कितना पैर ऊपर करोगे टूट टूट जाएगा इसका पैर ये देखो। अरे यार ये तो बहुत ही गलत किया है यार इसके साथ में यार बेचारा, देखो इसके पूरे
शरीर में एकदम छेद ही छेद कर दिया यार। क्या भाई सलमान भाई क्या करते हो तुम यार, तुम्हारा डायलॉग था ना कि इतने छेद करेंगे कि कहाँ से खाए और कहाँ से कुछ करे। ये देखो भाई क्या है यार, इतने छेद में आपने पेंसिलें ठूस डाली है। क्या है यार भाई, और ऐसा बांध भी दिया है बेचारे को। देखो कोई बात नहीं, ये बस आर्ट है भाई, इसे अपने जीवन से ना लगाए भाई। क्या है अभी ये, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। और देखो भाई इसने दिल सही में चीर दिया। और इधर क्या है देखो, अरे तुम्हारे फेफड़े गुर्दे किधर गए भाई साहब? ओ भाई क्या है इधर, ये तो गुफा है भाई यार, ये तो यार पंटर बना रहे यार अपन लोगों को यार, कुछ नहीं है उसके वाले शरीर में तो यार। नेक्स्ट द टॉकर, ये भाई अपने मैनेजर लोग रहते ना, बकर 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 बकर। कोई बात नहीं, दिल से ना लगाए मैनेजर साहब। क्या है ये भाई साहब, रस्सी पे दिखा रहे हैं चलते हुए, देखो। वाह यार, ये तो हमारे वाले देश में तो भाई एकदम छोटे छोटे बच्चे अच्छे भी करके दिखा देते यार, ये तो भी लाइव परफॉर्मेंस दिखाते। और देखो उसके मुंह में क्या लड्डू है, क्या क्या है उसके मुंह में यार, ये दो कुछ तो दिख रहा है जो पता नहीं, मतलब चचा एकदम आइसक्रीम खाते हुए। अभी ये ऑलमोस्ट लास्ट लग रहा है भाई मेरे को, क्या है देख लो यार, पक्षी को देख रहा है ये, दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए। ठीक है इनको वार्तालाप करने देते, तब तक हम कहीं और चलते भाई। भाई साहब कहने का मतलब है कि पार्क में काफी सारी चीजें चल रही है, और ये समर के आगमन की खुशी में हो सकता है। तो भाई साहब ओपन जिम के दर्शन करवाए जाए आपको, देख सकते हो यहाँ पे पार्क में रहता ही है, काफी सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं जिससे आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे देखो आप उधर साइकिलिंग कर रहा है बच्चा, इधर देखो ये, उधर देखो, उधर भी देखो, काफी सारे मतलब नॉर्मल रहते ही इधर पार्क में, तो बढ़िया है यार ये तो। इधर ये देखो ट्रैकिंग सिखाते यार बच्चों को, काफी अच्छा है, मतलब ऐसे ही चढ़ना उड़ना, थोड़ा सा फिजिकली फिट रहते बच्चे इससे यार। सही यार, अच्छी चीज है यार, मतलब मैं भी अपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई आप भी अपने बच्चों को थोड़ा करने दो जो वो चाहते हैं, मतलब नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। कहीं रहता ना अपने यहाँ पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कहीं पे अगर मिट्टी का ढेला है तो वहाँ पर चढ़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को क्या बोलते हैं, अरे अरे गिर जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, मतलब रहो उसके साथ में, लेकिन फिर भी उसको ट्राई करने दो यार, उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फिजिकली भी फिट हो जाएगा यार वो। तो भाई मैंने जितने चीजें बताई आपको, ये कार्टून्स थे एक्चुअली, और ये जो कार्टून्स के पीछे जो है एक बंदे का हाथ है, मतलब इनका ये पूरा दिमाग है, और इनका नाम है फिलिप। तो ये बंदे हैं, अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हो, काफी एकदम बेहतरीन इंसान थे भाई, लजीज एकदम। पढ़ो आप, रीच होम गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।